आपका स्वागत है। रुक रहे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू से आ रही है, जहां पर पुलिस वालों पर गैंग रेप का आरोप लगा है। इस मामले में दो पुलिस वालों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू में पुलिस वालों पर गैंग रेप का आरोप लगा है और इस मामले में दो आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से। आपको बता दें, एक आरोपी एसएसपी का पीए बताया जा रहा है, तो वहीं ये पूरी घटना रियासी इलाके की बताई जा रही है। पुलिस वाले जिन पर आम जनता विश्वास करती है और सोचती है कि वो उनकी सुरक्षा करेंगे, उन्हीं पर इस तरीके के संगीन आरोप लगे हैं। जम्मू से संवाददाता अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। अजय, रक्षा की भक्षक बन गया है यहाँ। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये मामला जो है जम्मू से लगभग 80 किलोमीटर दूर रियासी जिला का है और वहां पर माइग्रेंट कॉलोनी है, जो एक मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया से लोग थे उनके लिए सरकार ने माइग्रेंट कॉलोनी बनाई थी। वहां पर जो है तीन पुलिस वाले जाते हैं, जो कि एसएसपी के, जिसमें एक एसएसपी का पीए और एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है, वो जाता है और उसके साथ ही तीनों लोग और वहां से एक लड़की को अगवा किया और उनको जो है वो एसएसपी ऑफिस के बिल्कुल साथ जो क्वार्टर है, जो सतवीर सिंह जो एक पीए है उसका, वहां पर लेकर आते हैं और उसको तीनों बार जो है बारी बारी जो है उसको अपना शिकार बनाते हैं, अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और उसके बाद उसकी पिटाई भी की जाती है। मामला जब लोगों तक पहुंचा तो लोगों ने इसकी बात की और पुलिस जो है मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर रेड करके जो है तीनों को, पुलिस का वालों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, मगर उनमें से एक को जो है वो भागने में कामयाब रहा। पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, कोई एफआईआर जो है वो रजिस्टर नहीं की जा रही थी और बाद में जब लोगों का दबाव बना, लोगों ने हाईवे बंद करके जो है प्रदर्शन किया, तो उनके खिलाफ जो है एफआईआर का लगी और उसमें पहले तो किडनैपिंग का पता चला था और उसमें बाद में लड़की का मेडिकल कराया गया। जी बिल्कुल अजय, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।